अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने नांदेड़ जुनूब असेंबली हलके से फारूक अहमद के नाम का ऐलान किया, तब से नांदेड़ जुनूब में जोश व खरोश का माहौल देखा जा रहा है। खास करके नौजवानों में सबसे ज्यादा जोश व खरोश देखा जा रहा है। जगह जगह नौजवानों की जानिब से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी तरह कसीर तादाद में नौजवानों ने आतिशबाजी करते हुए फूलों के हार पेश करते हुए फारूक अहमद का खड़कपुरा इलाके में शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर फारूक अहमद के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर अयूब खान, जावेद हाशमी, एडवोकेट शेख बिलाल, मोहम्मद कासिम, आदित्य देशमुख, अब्दुल समी, सादिक बचोटीकर और दीगर अहदेदारान मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मोहल्ला शरीफ खड़कपुरा में हैं। खड़कपुरा, ये जब हम तहरीक में मूवमेंट में आए थे तो मानो के हमारी इब्तिदा थी सामाजिक और सियासी कामों की। उस वक्त हमारा होम ग्राउंड अगर कोई था तो खड़कपुरा है, इसलिए खड़कपुरा से एक अजीब लगाव है, क्योंकि यह एक मेहनतकशों की, ईमानदार मजदूरों की बस्ती रहने वाली है। इस नांदेड़ की नहीं तो पूरे मराठवाड़ा की, महाराष्ट्र की शान उस्मानशाही मिल से थी, और उस उस्मानशाही मिल में अपने पसीने से खून सींच कर उस मिल को दर्जे पे लाने वाले, बुलंदी पे लाने वाले मेहनत कश हैं और मजदूर और उनके पूरे खानदान के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे मेहनत के पसीने की अपनी एक खुशबू होती है, वैसे मेहनत कश लोगों के बस्ती की एक फिजा होती है, जो हमेशा लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। इसीलिए इस बस्ती से एक अजीब लगाव है, और इंशाल्लाह इस बस्ती को ही हम अपना घर मानते हैं। अगर हमारा घर कोई है तो ये बस्ती है, ये खड़कपुरा है, अतराफ का एरिया है, यहाँ के नौजवान हैं। और इस नई पीढ़ी ने आज इस्तकबाल के अंदर इस बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए हमको ये यकीन दिलाया है कि जो लड़ाई हम इस नांदेड़ शहर के तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़ाई के अंदर इस बस्ती का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान इंशाल्लाह हमारे साथ खड़ा हुआ है। इस बात का इत्मीनान इंशाल्लाह यहाँ पर आज आने के बाद में जो मिला है वो हमको आने वाले नतीजे में भी नजर आएगा। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत, 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिम कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, मल्टीग्रिड रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़।